today we learn standard 9 science chapter number 14 lecture number 8. तो lecture number 8 में आज का जो topic है वो nitrogen cycles के related है. तो nitrogen cycles को वो आपके लिए नया term है. तो वो terms को कैसे हम describe कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो कि हमारा जो atmosphere होता है, तो atmosphere में सबसे ज्यादा nitrogen होता है. तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इधर nitrogen in atmosphere. बाद में नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब नाइट्रोजन का यूज होता है. और नाइट्रोजन का फिक्सेशन होने की वजह से वो क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स में आता है. ये ग्रीन प्लांट्स क्या फॉर्मेशन करता है, ये ग्रीन प्लांट्स अमोनिया का फॉर्मेशन करता है. व्हेन ग्रीन प्लांट्स डेड, ग्रीन प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं तब वो क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया फॉर्म करेगा. ये ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, प्रोटोप्लाज्म. और ये एनिमल्स जब डेड हो जाता है तब उसका डीकंपोजिशन होता है, अमोनिया फॉर्म होता है. ये अमोनिया का कन्वर्जेशन नाइट्राइड्स के फॉर्म में होता है. कौन से फॉर्म में है, नाइट्राइड्स. और ये नाइट्राइड्स का बनाता है, ये नाइट्राइड्स बनाता है नाइट्रेट. और ये नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन होता है और क्या बनता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को वापस मिलता है. और भी नाइट्रोजन जो इन एटमॉस्फेयर है उसकी एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रिफिकेशन की वजह से उनका फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन. और यही क्या बनाता है, यही नाइट्रेट्स बनाता है बाय नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. और नाइट्रेट्स का जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है तब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को वापस मिलता है. तो अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो स्टेप्स की स्टडी करने जा रहा है. तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
तो ये भी एक छोटी सी साइकिल सी हो गई, लेकिन मैंने साइकिल्स के फॉर्म में आपने आपको सिखाया। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जब नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर होता है उसका क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये प्रोसेस की हम मैं बात करता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहली जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है वो नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। नाइट्रिफाइंग और नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया होते हैं। वो ये नाइट्रोजन को क्या करेंगे, वो ये नाइट्रोजन को एज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के फॉर्म में, मतलब NO2- और NO3- माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस था तो वो अब कैसे बन गया, तो वो NO2 और NO3 के फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन होगा कि नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। दूसरे कोई बैक्टीरिया होते हैं वो डाइकोट, वन टाइप ऑफ ट्रीज, ट्रीज टाइप टाइप है डाइकोट प्लांट्स। तो जो डाइकोट प्लांट्स है तो डाइकोट प्लांट के साथ चिपक के रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कि वो रूट्स के साथ रहते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको लेग्यूम्स रूट्स, तो जो लेग्यूम्स के रूट्स होते हैं बराबर, तो लेग्यूम्स भी एक टाइप है यानी प्लांट का, तो उनके जो रूट्स होते हैं तो रूट्स के साथ रहते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या है, तो नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन का कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। और बात करूं तो मैं आपको, तो आपने बिजली देखी होगी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के पास क्या होता है, हैवी टेम्परेचर होता है। लाइटनिंग के पास क्या होता है, हैवी टेम्परेचर होता है। और ये हैवी टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेयर में जो एयर है और एयर में जो हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों के साथ रिएक्शन होती है। मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग में होती है। और मैं आपको बताऊं कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में कन्वर्जन होता है। और बात करूं मैं आपको कि ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स देन आफ्टर एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर एज अ वेपर फॉर्म में होता है या क्लाउड होता है इसके साथ मिक्सअप होता है, और नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म ए एसिड है। ये हुआ नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है नाइट्रोजन का असिमिलेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको सिखाया, जो हमारा नाइट्रेट्स NO2- और NO3- है किसमें, वो वाटर और सॉइल्स में, तो वो कि उसका यूज कौन करता है, एनिमल्स भी कर सकती है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकती है। तो NO2 और NO3 का यूज कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अ प्लांट। तो जो हमारा प्लांट है वो नाइट्रोजन का यूज एज अ फॉर्म ऑफ NO2 और NO3 के कंपोजिशन में करता है, मतलब कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, वो किस फॉर्म में करेगा? NO2 और NO3 को। तो NO2 और NO3 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है? तो वो नाइट्रोजन का कन्वर्जन NO2 NO3 में करेगा। तो मैंने आपको बताया नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का कन्वर्जन NO2 और NO3 में करते हैं, और ये NO2 NO3 डायरेक्टली कौन ले सकता है? प्लांट ले सकता है। चलो आपको क्वेश्चन होगा कि प्लांट NO2 NO3 को लेके क्या करेगा? तो सिंपल, तो वो प्लांट क्या बनेगा? एमिनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एमिनो एसिड? तो एमिनो एसिड इज अ यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड यूजफुल कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन्स। और मैं आपको बताऊं कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है कि जिसमें ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, या नाइट्रोजन का पूरे पूरा स्ट्रक्चर ही होता है। तो ऐसा है विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब ऐसे फॉर्म है जिसमें नाइट्रोजन रहता है, और अल्कलॉइड्स भी आते हैं। जहां क्या नाइट्रोजन एज अ कंपाउंड के फॉर्म में रहता है, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन कई जगह पे आपको मिल जाएगा, और ये कंपाउंड आपको क्या मिलते हैं? तो ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इजीली मिल जाते हैं। चलो इसके बाद मैं बात करता हूं कि जब हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एमा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, तो ये सब हमारी बॉडीज में होता है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट ही रहता है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड हो जाता है, जैसे कोई प्लांट होता है, तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स भी एक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तब ये प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या जनरेट करता है? अमोनिया जनरेट करता है। तो किस फॉर्म में अमोनिया जनरेट करता है? तो प्लांट का क्या होता है? डीकंपोजिशन। एनिमल्स का क्या होता है? डीकंपोजिशन होने की वजह से प्लांट में से भी अमोनिया जनरेट होगा और एनिमल में से भी अमोनिया जनरेट होगा। बाद में अमोनिया का जो नाइट्रिफिकेटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और यही नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन करके एटमॉस्फेयर को वापस मिल जाएगा। दोस्तों अच्छी तरह से समझो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब डेड कंडीशन में आ जाता है तब वो क्या करता है? उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो डिकम्पोजिशन होके अमोनिया जनरेट करता है। अमोनिया का कन्वर्जेशन किसमें होता है? नाइट्राइट्स में होता है, और नाइट्रेट्स का कन्वर्जेशन नाइट्रेट्स में होगा, और नाइट्रेट्स इजीली नाइट्रोजन की जो एटमोस्फियर है उसमें मिल जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से। दोस्तों ये साइकल्स है, समझो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से ग्रीन प्लांट और एनिमल्स में आया, और एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स का जब डिकम्पोजिशन होता है, वो जब डेड कंडीशन में आ जाता है, तब वो क्या जनरेट करेगा? अमोनिया जनरेट करेगा।
और यही अमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स में आएगा वाया नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, अमोनोलिसिस प्रोसेस भी उसे बोलते हैं। तो अमोनोलिसिस प्रोसेस की वजह से अमोनिया फॉर्म हुआ और अमोनिया में से नाइट्राइट्स फॉर्म हुआ, नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट्स फॉर्म हुआ और नाइट्रेट्स का जब डीनाइट्रिफिकेशन होगा तब इजीली नाइट्रोजन एज अ फॉर्म में आ जाएगा। चलो और एक बात मैं आपको बताता हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स आर डेड, सम बैक्टीरियास कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड, सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उसका नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्जन करते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स टू कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स टू जो कन्वर्जन है उसको हमें नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है तभी हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल्स है वो साइकिल्स फिनिश होगी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का क्या करता है, नाइट्रोजन में कन्वर्जन करता है। बाद में एक प्रोसेस आती है नाइट्रिफिकेशन। तो जब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होगा तब उसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा और इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर फिक्सेशन तो उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, NO2- और NO3- एज अ फॉर्म ऑफ वो क्या करेंगे, NO2 NO3 का यूज करेंगे। फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से फिर अगेन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो गया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, NO2- और NO3- है, NO2 भी हो सकता है NO3 भी हो सकता है, हमें क्या चाहिए, हमें तो नाइट्रोजन सिर्फ चाहिए। तो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा बना दो, डीनाइट्रिफिकेशन कर दो, डीनाइट्रिफिकेशन करके आपको क्या मिलेगा, डीनाइट्रिफिकेशन करके आपको मिलेगा नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। तो मैंने लिखा इधर कि जो नाइट्रिफिकेशन करके जो नाइट्रेट्स मिलता है उसका क्या हम करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को वापस मिल जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाई है नाइट्रोजन साइकल्स की, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब कि ग्रीन प्लांट में आता है, ग्रीन प्लांट में अमोनोलिसिस प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं, अमोनोलिसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
तरह से अमोनिया फॉर्म होगा? तो अमोनिया फॉर्म फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों यहीं पे हम नाइट्रोजन साइकल्स समाप्त करते हैं। नाइट्रोजन साइकल्स का इजी मतलब है कि आप एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का यूज करके आप सोइल में भी ले जा सकते हो, वाटर में भी ले जा सकते हो, और जो भी ग्रीन प्लांट्स है एनिमल में भी ले जा सकते हो। मतलब कि वापस वो कहाँ आना चाहिए? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आना चाहिए। तो नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होगा तब ग्रीन प्लांट एनिमल्स में जाएगा, उसका अमोनोलिसिस होगा तो अमोनिया फॉर्म होगा, अमोनिया में से नाइट्रेट्स फॉर्म होगा। नाइट्रेट्स का हम क्या करेगा? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते नहीं है, वो हो ही जाती है एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस मिल जाता है। और दूसरी एक प्रोसेस है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर होता है वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी उसका होता है। तो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन वो यूज करती है, बाद में यूज करने के बाद नाइट्रोजन वो क्या करती है? वो रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, एंड उसका डीआइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होने की वजह से नाइट्रेट नाइट्रोजन आपको वापस मिल जाता है। तो यहीं पे दोस्तों नाइट्रोजन साइकल्स समाप्त करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट में। थैंक यू।